बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, इतना ज्यादा लेट हो गया है आज, अभी तक इतना लेट हो गया है कि क्या बताऊं, अभी क्या बोले जा रहा हूं मुझे भी नहीं पता चल रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। शगुन की तबीयत काफी खराब है, काफी क्या, हाथ में जो पेन आप लोग को 3-4 दिन पहले बताया था वो पेन अभी भी है, इसलिए मैं जल्दी से ऑफिस जा रहा हूँ आज, और ऑफिस जाके फिर वहां से आके शगुन को ले जाएंगे फिजियोथेरेपिस्ट के पास वापस, मतलब आके लेके नहीं जाएंगे, इसको ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस नहीं करवाएंगे। मेरा एक फ्रेंड है जिसमें आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा कुछ दिनों पहले, मुदस्सिर, उसका ही भाई, दोनों नाम है, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है, वो भी बहुत रेनाउंड है, मतलब अच्छा खाता है, तो उसी से देखेंगे कि क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में करके देख लेंगे, लेकिन नहीं जाना पड़ेगा। क्या हो रहा है? वैसे भी दिल्ली में है, बहुत दूर है। हाथ में ज्यादा पेन हो रहा है? एक्सट्रीम हो रहा है। तो मेरे भी ऑफिस से कॉल आ रही है, मैं भी निकलता हूँ जल्दी। ये देखना कौन तोड़ गया, गजब है यार, पता नहीं यार किसको परेशानी है। अच्छा बोला इसको टेस्ट करवाया था नया, फिर तोड़ गया भाई की भी वाट लगा के रखी है, स्क्रैच मार दिया। ऑफिस आ गया था, घर पे आप लोगों ने देखा होगा, एक मैंने वीडियो दिखाई थी आप लोग को कि बाइक के किसी ने इंडिकेटर को तोड़ दिया, पता नहीं क्या हो रहा है, कल गाड़ी का किसी ने वो चोरी कर लिया था परसों, और कल रात में पता नहीं किसी ने बाइक के इंडिकेटर को तोड़ दिया है और स्क्रैच मार दिया साइड साइड में, पता नहीं क्या परेशानी है सोसाइटी में भी किसी को। अभी तक तो ऐसा कोई, घर पे तो किसी ने कुछ नहीं कहा है, ना किसी ने कुछ किया है, कंप्लेन की है सोसाइटी ऑफिस में भी जाके बोल दिया था, मैं निकलते वक्त में भी बोल के आया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा कर रहा है कोई, इंडिकेटर को पूरा निकाल के बाहर मोड़ मार के तोड़ दिया था। ऑफिस में छोटी सी एक पार्टी दे दी, क्योंकि कल रिद्धि ने जब मुझे पापा बोला था तो उस चीज़ की खुशी थोड़ी सी सेलिब्रेट करनी बनती है इन लोग के साथ भी। एक तो चले गए हैं काम से, अपने किस बार गए हैं बाहर साइड पे गए हैं काम से, बाकी भाई साहब हैं अपने, उनके साथ में थोड़ा समोसा पार्टी कर रहे हैं हम लोग। और एक चीज़ और, अभी शगुन के लिए डॉक्टर से बात कर लिया, फिजियोथेरेपिस्ट से बात कर ली है, वो मेरे मतलब दोस्त का ही भाई है, उसी से बात की है, शाम में जाके एक सेशन करवाना है शगुन का, देखते हैं शायद आज सही हो जाए हाथ, क्योंकि 4-5 दिन से ऊपर हो चुका है जिस वजह से वो परेशान है, आज तो सुबह मॉर्निंग में बहुत रो भी रही थी। बाकी अभी पहले ये खाते हैं उसके बाद भी करते हैं, नाइट पे दिन कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है, और जब तबीयत खराब रहे घर में किसी एक की भी ना, तो ऐसा लगता है कि यार कितने जल्दी से जल्दी घर पहुँचे, और जल्दी पहुँचाने में हमारे साइड भी थोड़ी सी मदद कर देते हैं, क्योंकि साइड पर दिन भर घूमते रहो अपने आप टाइम बीतते जाता है। बाकी एक दो दिन से थोड़ा सा वैसा लग रहा है कि कुछ नया करने की ज़रूरत है, कहीं जाने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप लोग को थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, तो कहीं पर प्लान करता हूँ निकलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि अगर लॉकडाउन का थोड़ा सा सिचुएशन सही होता है, जैसे कोविड का कह रहे हैं कि थोड़ा सा सही हो सकता है, तो देखते हैं कहीं चलने का, आसपास ही जाएंगे कहीं पर, ज़्यादा भी दूर नहीं, मगर चलेंगे कहीं पर। शगुन को आज थोड़ा सा चेकअप करवा दूँ, अगर थोड़ा डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ ट्रैवल कर सकती है तो उसके बाद चलेंगे, बाकी अभी निकलते हैं घर। फिर से निकल चुके हैं, अभी शाम के 6 बज रहे हैं, मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा वाला हो गया यार, इतना ज़्यादा ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मनाली के अंदर, अरे भाई साहब एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा लग रहा है जैसे कि मनाली के अंदर घूम रहे हैं। इतनी सारी बाइक खड़ी होती है, किसी का नहीं कभी टूटता है, बस मेरा ही तोड़ा जाता है हमेशा, देख रहे हो, अच्छी वाली बाइक खड़ी थी, इसको मैंने लगवाया था आगरा जाने से पहले ही लगवाया था, तोड़ दिया। क्या हुआ गुनी, पूरा अंधेरा करके बैठे हो, क्या हुआ, पूरा हिमालय पर्वत बनी पड़े हो, खाना पीना ये सब भी ना, मैं खुद नहीं खा पा रही हूं। क्या नहीं खा पाया है? अच्छा मैंने एक चीज देखा गुनू, जब मैं अपना थोपड़ा लगाता हूँ कोई देखता ही नहीं है व्लॉग। मैं मना की थी ना मेरे साथ लगाया करो। ओह मतलब अब शुभ और शगुन एक साथ होंगे तभी व्लॉग चलेंगे हैं? बिल्कुल नहीं चलाना। कोई बात नहीं, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुधान। लकड़ी आव जात नहीं रसरी, सॉरी रसरी, रसरी आवत जात से रस्सी, रस्सी को रसरी बोलते हो, कहावत जो रसरी में है, ये आवत जात से सिर पर पड़त निशान। चलो जो भी है, छेड़ो क्या भाई छेड़ो, आ जाओ, सर झुकाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू टेक परमिशन, धीरे धीरे आ रही है, हाँ वहीं पे बैठो, अभी प्यारी करते हैं, रुको। शगुन का अभी तो फिलहाल ठीक है, लेटी ऐसे हुई है ना बेचारी के, सारे काम हम लोग को भी निपटाना पड़ रहा है, मिल बांट के कर ले रहे हैं, वैसे कल का मूवी देखने का प्लान था, अब तबीयत खराब है तो कहाँ मूवी जा पाएंगे, है ना, मूवी जाएंगे नहीं, पक्का ना, पक्का ठीक है, याद रखना कहीं फिर बोली थी जाएंगे तो। मैं सोचा था पुष्पा दिखा दें, इतनी फेमस है भाई, इतना नाम चल रहा है पुष्पा पुष्पा, तो दिखा दें पुष्पा। इस पुष्पा को 3 हफ्ते बाद ही देख सकते हैं। 3 हफ्ते बाद पुष्पा, मौसम ठीक हो जाए तो।
पुष्पा के जगह ना और सारी आ जाएंगी तांजलि की तांजलि। सीधे डॉक्टर को फोन कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या बोलते हैं। ये जान पहचान नहीं है, पहले तो बताना पड़ेगा कि कौन है हम। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उस दिन के बाद तो मुलाकात ही नहीं हो पाई अपनी। ये मुदस्सिर भाईजान से थोड़ा पूछिएगा कि क्या हुआ। थोड़ा सा एक हेल्प चाहिए थी। ये आपकी भाभी हैं, वो थोड़ा सा ना उनके जॉइंट में कुछ पेन हो रहा है 3-4 दिन से, शायद ठंड वंड लग गई है क्या है। कौन से जॉइंट में? शोल्डर के जॉइंट में। ये कौन सा? लेफ्ट हैंड के शोल्डर जॉइंट। तो कोई मतलब एक्सरसाइज या कोई क्रीम होगी जो सही होने का हो? और कैसे होगा? कोई इंसिडेंट या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, अभी तो देखिए, एक तो होता है कि प्रेगनेंसी हुई थी अभी, अभी 3-4 महीने हुए हैं। अभी बाइक से हम घूमने चले गए थे, तो वही मुझे लग रहा है कि शायद ठंड वंड लग गई है एक साइड में या कुछ ऐसा। लोकल लैंग्वेज में कि कच कचा भी नहीं रहा है, हड्डी आवाज नहीं कर रहा है बिल्कुल ही, पेन अजीब सा अंदर हड्डी में पेन होता है जो, वो हो रहा है चारों तरफ से अच्छे से। अच्छा, हाथ उठ रहा हूँ, हाथ उठ रहा है आगे, कनेक्शन जो हम करते हैं ऊपर हाथ उठाते हैं, हाथ उठाने में कोई दिक्कत हो रही है? किसी भी रेंज तक कोई दिक्कत हो रही है उठाने में? नहीं, मतलब कभी कभार ना, कभी कभार हल्का सा पेन होने लगता है, और हाथ उठाने में ही मतलब पेन होता है, या कुछ उठाने में, कोई भी सामान उठाने में पेन होने लग रहा है। एक हाँ। काम करिए, मैं ना एक मेडिसिन एक मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, और उसको लीजिएगा, आज लेंगे और कल अगर पेन रहा तो कल भी लेंगे अदरवाइज, और फिर उसके बाद अगर पेन रहा तो बताइएगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि रहेगा। अच्छा अच्छा, कितना टाइम हो रहा है? 8:30 हो रहा है ना? हाँ हाँ, मैं 9:30 आप कितने बजे सोते हैं? 9:30 के बीच में कॉल करें क्या? 2-3 बजे तक सोता हूँ। ठीक है, 10 बजे उठवा ना, वीडियो कॉल पे बात करते हैं, ताकि जो अगर कुछ करना भी होगा जी जी मैं उसी वक्त बता दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर था, हाँ हाँ, वो जी जी बिल्कुल 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 ठीक ठीक, ओके थैंक यू, बाय। चलो, तो इनने बोला है कि अभी 10 बजे कॉल करेंगे, 10 बजे देखते हैं कि क्या बताते हैं। कुछ एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बड़े बड़े लोगों को भी देखते हैं। उम्र पे मत जाइएगा, है एज में बहुत ही कम, शायद मुझसे भी छोटे होंगे, मगर बहुत ही अच्छे, बहुत ही नामी हैं। अब मैं ऐसे तो नहीं बता सकता, मगर कुछ न्यूज ये सब चैनल से सब में कुछ एडिटर्स हैं, नामी एडिटर्स हैं, उनके घर पे भी जाते हैं ये, उन लोग का फिजियोथेरेपिस्ट ये सब, मतलब जो भी होता है इनका सेशन ये सब लेने के लिए। तो आज देखते हैं इनका हाथ पैर कैसे तोड़ना है। मेरे हत्ते चढ़ती तो एक हाथ ऐसे रखता और कड़क से ऐसे करता 2 मिनट में। मजाक कर रहा हूँ यार, गुस्से में ऐसे देख रही है। चलो अभी लेटो, मैं जाना चाय लेने। मैं कह रहा था, पूछ रहा था कि आपको कब दर्द हो रहा है, कब, जैसे कि आपको उठाने में या कोई सामान लिफ्ट करने में या कोई, जैसे ये हाथ है ना मेरा, इसमें ऐसा लग रहा है कि जान ही नहीं है, मैं छू रही हूँ तो जो लोग बोलते हैं ना लैंग्वेज कनकनी सा आ गया है, वो वाली चीज हो गई है। ऐसे ऐसे दिन भर कर रही हूँ, और मतलब जैसे कुछ बनाना प्रेशर वाली चीज, जैसे बॉटल उठानी हो, रोटी बेलनी, वो सब मुझसे हो नहीं रहा, और कंटिन्यूस पेन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। दवाई खाई थी, वो शायद पेन किलर था, डॉक्टर नहीं है, दुकान वाले ने दे दिया, खा लिया, 3-4 घंटे सही हो जाता तो मूड बिल्कुल सही हो जाता, जैसे तो कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद फिर रात में फिर से पेन, ये दर्द थोड़ा, हाँ भी ये दर्द, हाँ है। तो ये जो बाकी रेंज वगैरह पूरा जाती है हाथ ऊपर उठाने से, वो सब कुछ है, लेकिन एक होता है ना कि हाथ से कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, जैसे ऐसा लग रहा ना कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और यहाँ पे क्या होता है ना, नस खींच रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे पेन हो रहा है, ज्वाइंट में पेन हो रहा है, पूरे हाथ में पेन हो रहा है। एक काम करिए, अभी लाइव में ही घर का कॉर्नर होगा ना इस टाइप का, मैं दिखा रहा हूँ कि एक हाथ आप यहाँ रखो और सेम डिस्टेंस में दूसरा हाथ दूसरे तरफ रखना है। अच्छा, हाँ। और उसको उसको सामने से पुश करना है इस तरह से, इस तरह से, और ये रहेगा और ये चेस्ट आगे जाएगा। अच्छा, इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा, पुशअप जैसे करते हैं। हाँ। तो ये अभी 3 times मतलब 10 सेकंड होल्ड करके ये करिए। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा और डिस्टेंस कम करिए हाथों के बीच में, हाथों के बीच डिस्टेंस कम करिए, हाथों के बीच डिस्टेंस कम करिए। हाँ, दोनों की तरफ बराबर है ना। हाँ, अब पुश करिए, चेस्ट को आगे की तरफ ले जाइए और हाथ एक तरफ रखिए और 10 सेकंड होल्ड रखिए, फिर आहिस्ता 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 पीछे रिलैक्स ले जाइए। हेड जो है अपना राइट की तरफ करिए ऐसे, ये हाथों में खिंचाव आ रहा है, ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है?
नॉर्मल है, ज्यादा नहीं मतलब है ना, खिंचाओ खींच, उस खिंचाव को होल्ड करके रखिए, ठीक है ना। ये अवॉइड एक दो दिन करिएगा और ये चीजें करिएगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी फिर सामान कोई उठा के देखिए तो कैसा लग रहा है? थोड़ा सही लग रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है, सही लग रहा है, थोड़ा फील हो रहा है। क्या होता है ना कि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती है ना, ये ऐसा सवाल ये तो सच्चाई सामने आ जाएगी आ गई है सच्चाई मैं तो हाँ और ना में पूछ रहा हूँ, हालांकि मुझे मालूम है बिल्कुल सही है, ठंड की वजह से नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं, कभी नहीं होता है, कभी नहीं, कभी नहीं। थोड़ा सा जरूरी नहीं है कि क्या कहा है कि वेट लिफ्टिंग ही एक्सरसाइज होती है, बहुत लोग होता है जिम जाना ही जरूरी है, घर पे टेरेस पे, टेरेस में या फिर ऊपर छत पे जहाँ भी मौका मिल रहा है, 5 मिनट 10 मिनट थोड़ी सी एटलीस्ट जो है ना बॉडी के मूवमेंट्स मोबिलिटी हो जानी जरूरी होती है। बिल्कुल राइट, जॉइंट्स का नेचर है मोबिलिटी और मसल का नेचर है फ्लेक्सिबिलिटी, और ये दोनों अगर नहीं होगी तो फिर वो शॉर्ट होने लगती है, आपका रेंज शॉर्ट होने लगेगा, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, मतलब बुढ़ापा पहले से पता चलने लगेगा। ये 3 टाइम कल करिए, मुझे लगता है कि दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ले लीजिएगा, मसल रिलैक्सेंट है, ये काफी रिलीफ देगा, है ना। इस करवट से आज अवॉइड करिएगा सोना, तकिया थोड़ा सा मोटा यहाँ पे लगा लीजिएगा हल्का। अब ये तो हो गई सारी बातें, अब मुझे ये बताइए कि आपकी फीस क्या है? नहीं नहीं क्या है? अरे नहीं देखिए वो तो जरूर जब भी मिलिएगा मैं बता रहा हूँ, आप और हम और बैठ के चाय पियेंगे वही फिर उसके लिए तो आप बताइए चांदनी चौक आप आ रहे हैं या मैं आऊँ वहाँ पे? मिलते हैं जरूर जरूर मिलते हैं। ओके थैंक यू सो मच, कैसा लग रहा है? रिलैक्स फील हो रहा है? अभी तो नहीं लग रहा है, मतलब काफी काफी आराम मिला, थोड़ा सा लग रहा है कि जान आई। ये थे मेरे दोस्त के भाई हैं और बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट कहिए, मतलब बहुत ही रिनाउंड है ये। कई बड़े बड़े, मैंने पहले भी आप लोग को बताया ना कि बड़े बड़े न्यूज़ एडिटर्स के यहाँ पे भी ये अपनी सर्विसेज देते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं। अगर आप लोग को ज़रूरत होगी तो आप लोग इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एड्रेस आप लोग इनसे पूछ लीजिएगा बेशक। चलिए फिर इसी के साथ में इस ब्लॉग का भी एंड करते हैं ताकि शगुन को थोड़ा सा आराम मिल सके और अभी एक्सरसाइज जारी रहेगी। और यार मेरी शक्ल पसंद नहीं है क्या? मैंने अपना थंबनेल डाला तो किसी ने देखा ही नहीं। मैंने दोबारा बोला है कि मेरे साथ पिक्चर लगाए कीजिए, पता नहीं मुझे बिना बताए थंबनेल। शुभ विदाउट शगुन हो ही नहीं सकता ना, शुभ शगुन। हाँ। तो चलिए प्लीज, अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ये इन्फॉर्मेशनल है, थोड़ा सा मैं डालूंगा, स्किप करके आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोग को अगर कंसल्टेशन चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है डॉक्टर साहब का, आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट इन दिल्ली एनसीआर। और ये मत सोचिएगा कि कम उम्र है तो इनको नॉलेज नहीं, इनको बहुत ही अच्छी खासी नॉलेज है। और मैं शायद 15 साल से इनसे कंसल्ट में हूँ, जब ये पढ़ रहे थे तब भी, उसके बाद जब ये प्रैक्टिस में है तब भी। तो चलिए फिर, बाय बाय, गुड नाइट।